बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों ये तीन स्टॉक्स की बड़ी खबरें, क्या ब्रेकआउट कर सकते हैं या फिर ज़मीन बोस? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों देखें, तीन बड़े इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, इनकी बड़ी खबरें हैं, लेकिन ये जो है अपना आज इन्होंने मोमेंट दी है, लेकिन उस कदर मोमेंट जो कि समझी जा रही थी वो अभी नहीं दी। वो मैं स्टॉक आपके सामने रखने जा रहा हूँ और इसकी कुछ खबरें आपको साथ बताई जाएंगी। ये है जी, सबसे पहला स्टॉक है जी OGDC, उसके बाद है जी हब पावर कंपनी, तीसरे नंबर पे AVN। अब ये देखें OGDC से स्टार्ट करते हैं। OGDC के हवाले से खबरें अच्छी हैं कि इनको पैसा पूसा मिलने जा रहा है बहुत शॉर्ट टर्म में, यानी कि 82 अरब जो इनका 10-12 साल पुराना देना था गवर्नमेंट ने वफाकी कबीना में अप्रूव कर चुका है, और ये पैसा हो सकता है इनको मिल भी गया हो, जो कि आपको पता चलेगा या तो कोई नोटिफिकेशन आएगा या फिर ये इनकी जो बोर्ड मीटिंग है उसमें बताएंगे, ठीक है। और ये कंपनी जो है डिविडेंड भी दे सकती है आगे, अगर पैसा मिल गया हुआ तो अच्छा डिविडेंड भी देगी और इसमें ग्रोथ भी आएगी, और आज माशाल्लाह ये इसने परफॉर्म भी किया है। दूसरे नंबर पर जी हब पावर कंपनी, इसकी BYD के लिहाज से अच्छी खबरें हैं कि ये उसके साथ मिलके इलेक्ट्रिक कार बनाने जा रही है, तो इस लिहाज से ये कंपनी परफॉर्मेंस दे सकती है। इसको थोड़ी मार पड़ रही है जो कैपेसिटी चार्जेस को लेके गर्मा गर्म बहसें हो रही हैं, और उसकी मद में कुछ PM ने फैसला भी लिया है कि जो अपना फर्नेस ऑयल पे प्लांट चल रहे हैं उनको बंद किया जाए, उनको फारिग किया जाए। अब ये ऑटो सेक्टर पे प्रेशर है जिसकी वजह से इस पे थोड़ा प्रेशर आया, लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे जैसे इसकी बोर्ड मीटिंग डेट आएगी और ये क्लोज आएगी इसमें इजाफा मतवक्का है। हमारा चैनल होट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप जिसकी फीस है 3000 रुपीज पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अवेंशियन की खबर ये है कि एक्सपोर्ट जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की वो बड़ी ठीक ठाक जंप की है, और गवर्नमेंट ने इसका टारगेट रखा है $25 बिलियन सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर का। टोटल टारगेट रखा है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का $60 बिलियन, जिसमें $25 बिलियन सिर्फ टेक्नोलॉजी का, और इस लिहाज से इन्हें रिलीफ और मराहत भी दी जाएंगी। तो अवेंशियन जो है एक अच्छा एक्सपोर्टर है, और इस लिहाज से इसमें इसके शेयर में खातिर खा मज़ीद अभी इजाफा हो सकता है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।